एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई नो टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीएम पैरामीटर्स की। यूटीएम पैरामीटर्स होते क्या हैं, इसका क्या यूज है, यूटीएम पैरामीटर्स को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं और यूटीएम पैरामीटर का क्या मतलब है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और साथ ही प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि यूटीएम पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसको किस तरीके से यूज किया जाता है और इसके सारे के सारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम कि यूटीएम पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स, इसके पर्पस और इसको किस तरीके से हम बना सकते हैं और इसको किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, या हम इसको कहां देखेंगे कि हमारा जो यूटीएम पैरामीटर्स है वो यूज हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि यूटीएम पैरामीटर होता क्या है। यूटीएम पैरामीटर एक छोटा सा ट्रैकिंग का पैरामीटर होता है, जिसकी मदद से हम जो हमारा सोर्स है, ट्रैफिक का सोर्स है, कि वो किस सोर्स से आ रहा है या किस मीडियम से आ रहा है, उसको हम ट्रैक कर सके। यूटीएम की जो फुल फॉर्म है उसे कहते हैं अर्किन ट्रैकिंग मॉड्यूल। अब हम ये देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है। इसका जो मेन पर्पस है वो है कि जो हमारा सोर्स है वो क्या है, वो कहां से आया है, उसको ट्रैक करने के लिए यूटीएम को यूज किया जाता है। इसका बेनिफिट क्या है, यूटीएम पैरामीटर्स को अगर आप यूज करते हैं या यूटीएम पैरामीटर्स को अपने जो वेबसाइट है उसके टेल पे डालते हैं या एंड में यूज करते हैं, तो उससे बेनिफिट क्या हो, इससे आप अपना जो ट्रैफिक है उसको क्लासिफाई कर पाएंगे कि वो ट्रैफिक किस सोर्स से या किस मीडियम से आ रहा है। जैसे कि अगर आप गूगल एड्स रन करते हैं या आप गूगल माई बिजनेस पे पोस्ट डालते हैं या उस पर कुछ प्रमोशन करते हैं, फेसबुक पे एड्स रन करते हैं, कोरा पे पोस्टिंग करते हैं, तो ये जो अलग अलग तरीके का डेटा या जो ट्रैफिक है आपके पास आता है, आप उसको किस तरीके से ट्रैक कर पाएंगे। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है कि आप इससे जो आपका वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसको क्लासिफाई कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से यूटीएम जो है आपका उसको किस तरीके से यूटीएम को बना पाएंगे। आपको गूगल पे डालना है यूटीएम बिल्डर और उसके बाद आपके पास सबसे पहले ये आएगा कैंपेन बिल्डर, आप इस पे क्लिक करेंगे। आप जब कैंपेन बिल्डर पे ओपन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा। इसके बाद आपको चार चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला तो आपको चाहिए वेबसाइट, कि आप किस वेबसाइट को ट्रैक करना चाहते हैं, ठीक। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वो जो सोर्स है या आप किस सोर्स को ट्रैक करना चाहते हैं, वो सोर्स आप यहाँ मेंशन करेंगे। क्या मीडियम है, अगर आप एड्स रन कर रहे हैं या किसी बैनर के थ्रू या किसी पोस्ट के थ्रू अगर आप यूजर को देखना चाहते हैं कि यूजर किस मीडियम के थ्रू आया है, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कैंपेन नेम भी है, अगर आप एड्स रन करते हैं तो आपको यहाँ पर कैंपेन नेम भी देना पड़ेगा, जिससे आपको पता लग पाए कि आपके पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो किस कैंपेन के अंडर से होते हुए आ रहा है। तो मैं आपको दिखाने के लिए एक बार एक यूआरएल ले लेता हूँ। हमने एक यूआरएल लिया, हमने यहाँ यूआरएल को पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपको अब डालना है क्या, सोर्स। तो आप कोई भी सोर्स डाल सकते हैं, कि आप बस जिस सोर्स को ट्रैक करना चाहते हैं। अगर हम इस सोर्स को ट्रैक करना चाहते हैं गूगल माई बिजनेस के थ्रू, मान लीजिए ये यूआरएल आप डालना चाहते हैं और शेयर करना चाहते हैं गूगल माई बिजनेस पे, और आप देखना चाहते हैं कि आपके गूगल माई बिजनेस से कितने लोग आपके पास विजिट करते हैं या वहां से कितना ट्रैफिक आपके पास आता है, तो आप यहाँ लिख लीजिए गूगल माई बिजनेस, आपने लिख लिया। उसके बाद मीडियम, यानी कि मीडियम क्या है। इसके बाद आप उसमें प्रमोशनल पोस्ट यूज कर रहे हैं या कोई सिंपल पोस्ट है, या आपने कोई बैनर लगा रखा है, कोई इमेज लगा रखा है, कोई अपडेट है उसके थ्रू आ रहा है, तो वो चीज आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम अगर किसी बैनर के थ्रू या मान लीजिए हम सिंपली पोस्ट डालते हैं, तो हम यहाँ पोस्ट लिख लेते हैं, इससे हमें पता क्या लगेगा, जो यूजर है हमारा वो गूगल माई बिजनेस के थ्रू हमारा जो पोस्ट है उसने उस पोस्ट पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट को विजिट किया है। अगर आप यहाँ कैंपेन नेम भी देते हैं कि क्या कैंपेन नेम है, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस स्पेसिफिक मंथ, मान लीजिए हम मंथ के हिसाब से कैंपेन डाल देते हैं, तो हम अभी डालते हैं जून। हमें इससे पता लगेगा कि हमारी वेबसाइट पे गूगल माई बिजनेस से किसी यूजर ने एक पोस्ट को क्लिक किया
और वो जून का जो कैंपेन था उसके थ्रू आया है हमारे पास। अब आपने यहाँ क्रिएट तो कर लिया, अब आप इसको यूज कैसे करेंगे? आपको यूज करने के लिए सिंपली आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर सारा का सारा जो यूआरएल है वो जनरेट होके मिल चुका है, बस सिंपली आपको कॉपी करना है और उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है जहां पर या जहां भी आप इसको यूज करना चाहते हैं। सिंपली आपको वो यूआरएल शेयर करना है ताकि और कुछ टाइम बाद आपको पता लग जाए कि आपका जो यूजर है वो किस सोर्स या मीडियम के थ्रू आपके पास विजिट कर रहा है। अब आपने जो यूटीएम है वो बना लिया है, बट आप उसको आप ट्रैक कहाँ से करेंगे, आप उसको देखेंगे कैसे? इसके लिए आपको चाहिए गूगल एनालिटिक्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और अब तक अगर आपने गूगल एनालिटिक्स को सेटअप नहीं किया है तो आपको ऊपर आई बटन पे हमारा वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बता रखा है कि आप गूगल एनालिटिक्स को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। और साथ ही गूगल एनालिटिक्स का एक नया वर्जन आ चुका है, गूगल एनालिटिक्स 4, उसको भी मैंने बता रखा है कि आप उसको किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हम गूगल एनालिटिक्स में किस तरीके से अपने ट्रैफिक को चेक करेंगे या यूटीएम जो है हमारा उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली आना है आपके गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप क्लिक करेंगे एक्विजिशन में, ऑल ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे और आपको क्लिक करना है सोर्स एंड मीडियम पे। सोर्स एंड मीडियम पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे आपको यहां से टाइम भी चेंज कर लेना है। आपके टाइम इंटरवल पे आपने वो यूटीएम पैरामीटर्स यूज किए होंगे या लोग उससे आए होंगे वो देखने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। और इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से हम थोड़े से रोज बढ़ा देते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर यहाँ देखिए यूटीएम में गूगल जो है हमारा सोर्स है और जो मीडियम है वो है हमारा सीपीसी। यहाँ पर हमको ट्रैक हो गया कि ये जो यूजर आया है वो हमने एड्स चलाई थी उसके थ्रू हमारे पास ये गूगल से आया है। सिंपली इसी तरीके से आप देखेंगे गूगल माई बिजनेस का हमने यूट्यूब लगाया था, इससे हमें पता क्या लगा कि जो यूजर है वो गूगल माई बिजनेस से आया है और किसके थ्रू आया है, वो आया है हमारे पोस्ट के थ्रू, यानी कि उसने पोस्ट पे क्लिक किया और हमारी वेबसाइट को विजिट किया। सिंपली इसी तरीके से आप अपना जो डेटा है या आपका जो यूजर है वो कहाँ से आया है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब क्या होते हैं, आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि यूजर आपके पास किस सोर्स या मीडियम से आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर इस पूरे प्रोसेस में कहीं आपको कोई चीज ऐसी हो समझ में ना आई हो तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।